अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप अरवी चिकन बनाकर दिखाऊंगी, क्योंकि अरवी के अंदर काफ़ी लेसें होती हैं और मैं जो टिप बताऊंगी उससे इसकी लेसें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले चिकन हमने लिया है 1000 ग्राम, प्याज दो दरमियाने साइज के, और इनको हल्का सा ग्राइंड कर दिया है। जी तो इसके बाद हमने टमाटो का पेस्ट लिया है, ये इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, और ये टमाटर जो है 3 बिग साइज के टमाटर हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, 3 अदद कटी हुई हरी मिर्ची ली है। आप मसालों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है धनिया पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। उसके बाद जीरा जो हमने लिया है तकरीबन 1/4 टीस्पून। फिर सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। उसके बाद काली मिर्च ली है पिसी हुई, उसको हमने घर में पीसी थी लाकर, वो 1/4 ली है। कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने 1/4 ली है, और लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर वो भी 1/4 लिया है। साथ में हल्दी ली है, ये भी 1/4 ली है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास ये टीस्पून है जिससे हमने ये मसाले लिए हैं। अरवी 250 ग्राम। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अरवी में 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे, जितनी देर पड़ा रहेगा इतने ही देर के लिए ये अरबी के अंदर जो लेसें निकलती हैं वो ज़्यादा बाहर आ जाएंगी, और फिर हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करती हूँ। जी तो दरमियानी आँच पे हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल के कढ़ाई में हमने रख दिया है। जी तो फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें अरबी ऐड करनी है और उसको भूननी है ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए और इसमें लेसें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन इससे पहले मैं इसको अच्छी तरह से धो दिया है, नमक लगा के रखा हुआ था 15 मिनट के लिए, तो ये मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया है। देखें, इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गई है। अब हम इस पर अरवी ऐड कर देंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए और इसमें जो लेसे हैं वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। जी तो फ्रेंड्स, हमने इसे दरमियानी आंच पे लाइट ब्राउन कर लिया है, ये देखें। अब हम इसे निकाल लेंगे एक साफ सी प्लेट में। फ्रेंड्स, मैंने इसे एक प्लेट में शिफ्ट कर दिया है, ये देखें, इसका कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है और ज़रा सी भी इसकी लेसें नहीं हैं, ये ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, अब हम मसाले की तरफ चलते हैं। धीमी आंच पे एक बर्तन रख दिया है, अब उसमें मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है, इसकी ज़रूरत ऑयल मैंने ऐड कर दिया है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और इस पेस्ट को लाइट ब्राउन होने तक पकाएं। तो फ्रेंड्स, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें पिसा हुआ प्याज ऐड कर दें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इतना पकाएं कि ये भी लाइट ब्राउन हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, ये अच्छी तरह से भुन गए हैं और बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, जो आपको नज़र भी आ रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दरमियाने तेज आँच में इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स को हमने थोड़ा सा भून लिया है और जब तक चिकन में जो ये वाइटनेस ना नहीं आ जाए आप उसको भूने। ये देखिए, ये वाइट वाइट सा हो गया है। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि चिकन की जो हमक आती है वो ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट के लिए दरमियाने तेज आँच में थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए। जी तो फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप जो आपको हर चीज़ जो है क्लियर बताती हूँ ताकि जो बच्चियाँ हैं किचन में अभी नया नया सालन बना रही होती हैं उनको हर चीज़ का पता चल सके
और वो आसानी से सीख सकें। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें काली मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर और नमक ऐड कर देंगे। इन सारे मसालों को हम हल्की आंच करके अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे और चिकन को इतना भून लेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसको देखें, हमने अच्छी तरह से भून लिया है कि ऑयल नज़र आ रहा है और चिकन भी देखें जो कच्चापन था उसका ख़त्म होने लग गया है, ये देखें जी। तो अब गैस लो स्टीम पे हम कर देंगे। अब हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह से इन सब में मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल जाए। जी तो फ्रेंड्स, मैंने दरमियानी तेज आंच पर चिकन को और अरवी को अच्छी तरह से भूना था। अब इसमें हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। दरमियानी आंच करके इसे ढक कर रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने अरबी चिकन को दरमियानी आंच पे 15-20 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम ओपन करके चेक करते हैं। कलर तो इसका बहुत प्यारा आया है, बिल्कुल वेट कलर आया है, ऑयल भी ऊपर तक आ गया है और सूप जो है ना हमारा मेरे लिहाज से तो ठीक है। अगर आपको कम करना है तो आप तेज आंच में कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चिकन जो है ये गल चुका है अच्छी तरह और अरबी भी अच्छी तरह से गल गई है। ये देखें कितनी आराम से टूट रही है। तो इस फाइनली जो है अब हमारा ये चिकन अरबी का सालन जो है तैयार हो गया है। अगर सूप आपने कम करना है तो तेज़ आंच करके इसका सूप आप कम भी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज डिश तैयार हुई है। वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।